अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको एक अफसोसनाक वाकया देखने को मिलेगा। इंडियन फिल्म स्टार शाहरुख खान अपनी फिल्म की कामयाबी पर क्या करता है, खुशी मनाता हुआ बुतखाने में जाकर बुत के ऊपर मिठाई चढ़ाता है, उसकी जाकर पूजा पाठ करता है, जो कि ख़ुद को मुसलमान कहता है। आइए आज की वीडियो में आप ये देखें और इसके बाद सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाई साहब से इस बारे में वो क्या कहते हैं। और आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, आगे चलकर मैं आपको मज़ीद दिलचस्प मालूमात देने वाला हूँ। गुजारिश है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत फेमस मशहूर त्यौहार वो है गणेश चतुर्थी। आप जानते हैं गणेश को? गणेश चतुर्थी, गणपति जानते? गणपति को नहीं जानते? कश्मीर में गणपति नहीं बनाते, लेकिन जहां से मैं आ रहा हूं महाराष्ट्र से और बाकी इलाकों में हिंदुस्तान में एक त्यौहार है, इसे कहते हैं गणेश चतुर्थी गणपति। जैसे मैं कह रहा था, मिसाल के तौर पर अगर मुंबई में कोई हिंदू मेरा दोस्त मुझे अगर गणेश की पूजा के लिए बुलाएगा और मुझे प्रसाद देगा, तो मैं एक आसान सा सवाल उसे पूछूंगा। मैं उससे पूछूंगा, ये गणेश कौन है, ये गणपति कौन है? तो वो हिंदू दोस्त मुझसे कहेगा कि ये गणेश जो है वो हमारा भगवान है, वो शिवा भगवान का बेटा है, भगवान शिवा। और ये उनके किताबों में लिखा हुआ है कि गणेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है। और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है, और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो और किसी को भी घर में आने मत देना, मैं आराम फरमा रही हूं। तो उसका बेटा घर के बाहर जाता है और दरवाजे पे खड़े हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं और जब घर में दाखिल होने जाते हैं उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है, आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मां आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते हैं। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? और ये हिंदू दोस्त आपसे कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते, तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नजदीक में आएंगे आपके उसकी गर्दन उड़ाओ और मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके सामने आता है वो है हाथी, तो वो हाथी की गर्दन उड़ाते और शिवा के पास लेके आते और भगवान शिवा अपने बेटे के सिर पे लगाता है और वजूद में आता है गणपति, एक लड़का जिसके सिर की जगह है हाथी का सिर। मैं कहूंगा अब इसको भगवान मानते? मेरा दोस्त कहेगा, अरे जाने देना जाकिर, ये तो कहानी है। अरे लेकिन ये आपका भगवान है क्या? अरे जाकिर जाने देना, ये तो सिर्फ कहानी है। मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूं। बोलेगा जाने देना जाकिर, ये छोड़ कहानी है, ये सिर्फ मेरे मजहब में। मैं कहूंगा नहीं, मुझे साबित करके दिखाओ, अभी मैं उसके पीछे भागूंगा। और ये बहुत आसान है, अगर कोई हिंदू दोस्त मेरा मुझे इस त्यौहार के लिए बुलाता है और प्रसाद देता है। आम तौर पे हम सब मुसलमान जानते हैं, हम सब मुसलमान जानते हैं कि प्रसाद खाना हराम है, क्योंकि अल्लाह सुबहान तआला ने कम से कम चार जगह वाज़े तौर में फरमाए हैं, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माईदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैतुतु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिह, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, खिंजीर और वो खाना जिसके ऊपर गैर अल्लाह का नाम लिया गया है। जो भी खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है, हम जानते हैं कि वह हराम है।
लेकिन जब हमारे हिंदू दोस्त हमें बुलाते पूजा के लिए और जब प्रसाद पेश करते हैं, हम उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो हम क्या करते, हम बिस्मिल्लाह बोल के खा लेते, कल हम बिस्मिल्लाह बोल के शराब पियेंगे, परसों बिस्मिल्लाह बोल के खंजीर का गोश्त खाएंगे, क्या होगा मैं मुस्लिम उम्मा को, हम मुंह भी नहीं खोल सकते। हम हमारे गैर मुसलमान दोस्त को नाराज नहीं करना चाहते, हम समझते हैं कि अगर मैं कहूंगा कि मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा तो उसका दिल टूट जाएगा। हमको हमारे गैर मुसलमान के दोस्ती ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह से ज्यादा। जी हाँ नाज़रीन, ये डॉक्टर साहब एक अलमिया बयान कर रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, उमूमन जो फिज़ा बनी हुई है, अपने दोस्त को राज़ी करने के लिए अल्लाह को नाराज़ कर बैठते हैं, प्रसाद खा ली हिंदू के हाथ से, और जैसे कह रहे हैं कि प्रसाद खाते हैं बिस्मिल्लाह कहकर, और इसी तरह कल को अगर किसी ने शराब पी ली बिस्मिल्लाह पढ़कर, परसों को अगर किसी ने बिस्मिल्लाह पढ़ के खिंजीर का गोश्त खा लिया, तो ये शख्स जो बिस्मिल्लाह पढ़कर हराम काम कर रहा है, कुफ्र का इर्तकाब कर रहा है, तो ये बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। जानबूझकर बिस्मिल्लाह पढ़ना खिंजीर के गोश्त पर, जानबूझकर शराब के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ना, आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती न रखें, उनके साथ मेल जोल उठना बैठना खाना पीना ना हो, बल्कि उनको हम इस्लाम की दावत दें हिकमत और बसीरत के साथ। लेकिन इसके साथ क्या हो, उठना बैठना खाना पीना वो मुसलमान दोस्तों के साथ होना चाहिए। चले आगे सुनते हैं डॉक्टर साहब इस बारे में क्या कहते हैं। हम हमारा मुंह भी नहीं खोल सकते, हमें किसी भी गैर मुसलमान के खुदा को गाली नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में, आप वो लोगों जिनकी वो पूजा करते हैं, जिन लोगों की वो अल्लाह के अलावा पूजा करते हैं उनको आप गाली मत दो। जिन लोगों की वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा, उन लोगों को आप गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो लोग अल्लाह सुबहाना तआला को गाली देंगे। तो हमें गैर मुसलमानों के भगवान को गाली देना हराम है। तो हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, सिर्फ पूछना चाहिए ये कौन है, और वो हिंदू या वो गैर मुसलमान अपने आप अपना काम करेगा। आपको उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए, इस्लाम में इजाजत नहीं है। लेकिन ये तो पूछ सकते कौन है ये, आपका गणेश कौन है, आपका भगवान कौन है, मुंह तो खोलो। हम मुंह खोलने से डरते हैं। और मैं जिस शहर में से आ रहा हूं बंबई, आपको शायद पता होगा उसकी फिजा कैसी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये गैर मुसलमान मेरी और इज्जत करते हैं। ये गैर मुसलमान जब मैं जाता हूं मेरी और इज्जत करते हैं, जब मैं जाऊंगा एयरपोर्ट के थ्रू देखते ओ जाकिर साहब आए, वो इमीडिएटली ग्रीन चैनल के थ्रू जाने देंगे। जब मैं जाता हूं दुकान में डिस्काउंट देते, कुछ लोग फ्री भी देते। अल्लाह की बात करने से किससे डरना, हक की बात करने से क्यों डरना। अल्लाह सुभान अल्लाह फरमाते हैं सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 120 में, वलन तरदा अनकल यहूदू वलन नसारा हत्ता तत्तबियु मिल्लती हूं। ये यहूद और नसारा आपसे कभी भी खुश नहीं रहेंगे जब तक आप उनका मजहब नहीं कबूल करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111 में, वकालू लै यदखुल जन्नत इल्ला मन काना हुदन व नसारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकालू लै यदखुल जन्नत इल्ला मन काना हुदन व नसारा। वो लोग कहते हैं यहूद और नसारा, आप मुसलमान लोग कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे, आप कितनी भी अच्छाइयां करो, हर रोज सला पढ़ो, नमाज पढ़ो, हज के लिए जाओ, रमजान में रोजा रखो, जकात दो, आपके पेशानी पे नमाज के दाग हो, तब भी आप जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक आप यहूद या नसारा नहीं बनेंगे। अल्लाह ताला फरमाते तिल का माने यो हम, ये बकवास है बकवास, कुल उनसे कहो हा तुम बनाने कुम, आप अपना सबूत पेश करो, इनकुन तुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो। अल्लाह ताला फरमाते जब भी कोई भी बड़े बड़े डींगे मारता है, बड़ी बड़ी बात कहता है, उनसे कहो कुल हा तुम बनाने कुम, आप अपना सबूत पेश करो, इनकुन तुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो। नाज़रीन, आप डॉक्टर साहब की तकरीर सुन चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये तकरीर अच्छी लगी होगी।
जैसा कि आप शुरू में देख चुके हैं, शाहरुख खान बुत खाने में जाता है, वहाँ जाकर प्रसाद भी तकसीम करता है और वहाँ जाकर बुत की पूजा भी करता है, मिठाई भी उनके ऊपर डालता है और मिठाई तकसीम भी कर रहा होता है। तो नाज़रीन, ये जो फ़िल्म स्टार होते हैं ये नाम के मुस्लिम होते हैं, नाम का ये इनका रिलीजन होता है कि अभी मैं फ़लाँ रिलीजन से, मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ। हकीकत में इनका कोई रिलीजन नहीं है, कोई मज़हब नहीं है इनका। आज की वीडियो से यही मुझे समझ में आती है, आप भी यही समझे होंगे। ये शाहरुख खान कभी तो बैतुल्ला जा रहा होता है, कभी अपने आप को मुस्लिम कह रहा होता है, कभी अपने आप को जो है वो मुस्लिम माशरे का एक फ़र्द कह रहा होता है, लेकिन आज ये कहाँ नज़र आ रहा है, किस कामयाबी पर कि मेरी फ़िल्म जो है वो कबूल हुई है, लोगों में मकबूल हुई है, तो उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, खुशी मनाते हुए जाकर बुत की पूजा करता हूँ। तो ये लोग अपने आप को चाहे मुस्लिम कहें, चाहे अपने आप को सिख कहें या हिंदू कहें, किसी मज़हब के ये नहीं होते, सिर्फ इनको सरोकार होता है पैसे के साथ। पैसा मिल जाए मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब में चले जाएं, पैसा मिल जाए मज़हब तीसरे को छोड़कर चौथे में चले जाएं, पैसा मिल जाए तो बग़ैर मज़हब के भी ज़िंदगी गुजारना ये लोग शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमें इन लोगों के लिए अच्छा ख्याल गुमान नहीं रखना चाहिए कि यहाँ ये मुसलमान है, नहीं है ये मुसलमान। और अल्लाह ताला से इनके लिए दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इनको हिदायत कामिला नसीब फरमाए, ये लोग उस गलत रास्ते को छोड़कर सीधे रास्ते की तरफ आ जाएं। तो अल्लाह हम सबको तौफीक अमल नसीब फरमाए।